वेलकम फ्रेंड्स, जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन यानी शनिवार को बड़ा उछाल लिया। इस फिल्म ने 25% की ग्रोथ के साथ शनिवार को शानदार कलेक्शन किया और इसके साथ ही इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म विनर साबित होने वाली है। रोमियो अकबर वाल्टर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 6 करोड़ की ओपनिंग ली। दूसरे दिन शनिवार को इसने 7 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया। इस तरह से 2 दिनों में इस फिल्म ने 13 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर आज इस फिल्म का तीसरा दिन है और आज भी इस फिल्म को काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली है। इसकी बदौलत आज ये फिल्म 9 से 10 करोड़ तक का कलेक्शन भी कर सकती है। रॉबी ग्रेवाल के निर्देशन में बनी रोमियो अकबर वाल्टर को सोलो रिलीज का भी भरपूर फायदा मिल रहा है। इस फिल्म के साथ ही विवेक ओबेरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 11 अप्रैल के लिए टल गई है। उधर पिछले हफ्ते रिलीज फिल्म जंगली अब काफी सुस्त हो चुकी है और अक्षय कुमार की केसरी की रफ्तार भी तीसरे हफ्ते में आकर थम सी गई है। ऐसी स्थिति में जॉन अब्राहम का स्टारडम बाकी सभी फिल्मों पर भारी पड़ रहा है। फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर में जॉन अब्राहम एक ऐसे जासूस बने हैं जो रोमियो अकबर और वाल्टर जैसे 3 रूपों में रहता है और दुश्मन देश में जाकर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जासूसी करता है। जॉन को देशभक्ति वाली फिल्मों में खूब पसंद किया जा रहा है और उनकी इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। फ्रेंड्स, आपने भी इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपकी नजर में इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन कितना रहने वाला है। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।